चोरी करने का विरोध करने पर एक चोर ने मजदूर के चाकू घोंप दिया। मजदूर को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मजदूर को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं आरोपी को मंझोला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंझोला थाना क्षेत्र के करूला मंसूरी कॉलोनी का रहने वाला रहमत अली पीतल कारखाने में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि देर रात छत के रास्ते एक चोर रहमत अली के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा। आहत होने पर रहमत अली ने जब चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो आरोपी चोर ने गृहस्वामी रहमत अली को चाकू मारकर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुन घर के अन्य सदस्य ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़े तो रहमत अली को लहूलुहान हालत में देख कर दंग रह गए। वहीं आरोपी चोर को परिवार के लोगों ने क्षेत्र के लोगों की मदद से दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मंझोला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लहूलुहान हालत में रहमत अली को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रहमत अली को देखते ही मृत घोषित कर दिया और उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मंझोला थाना पुलिस ने मजदूर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मजदूर रहमत अली की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। देखिए, रात एक बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना हुई है। एक बहुत ज्यादा गरीब रहमत अली नाम के एक व्यक्ति, बुजुर्ग थे काफी, उनकी दो बेटियां हैं, एक इकलौता लड़का था बेटा। कुछ नशेड़ी टाइप के जो चोर होते हैं, इस नशेड़ी, वो इस मैक के नशे में आपराधिक किस्म का है, खैर उसमें एक आसिफ नाम का व्यक्ति, उसने रात इनके घर पर चोरी की जो है घटना को अंजाम दिया। चोरी करने के घटना के अंजाम की वजह से जब उन्होंने, जो रहमत अली व्यक्ति थे, उन्होंने उनको मौके पर ही पकड़ लिया। कोरिया जब उनकी भरी, उसने उनकी जान का मतलब दुश्मन बन गया, उनके पेट पर जो है छुरियों से वार किया। फिलहाल उनकी मौके पे ही कुछ ही समय में ही उनकी वर्तमान में उसी समय उनकी मृत्यु हो गई है। चोरी का विरोध करने पर मजदूर की चाकू मारकर हत्या किए जाने की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पकड़ा गया आरोपी चोर क्षेत्र का ही रहने वाला आसिफ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आसिफ नशे का आदी है और नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहता है। यहाँ एक रहमत है, उनका घर है, तो एक इसी मोहल्ले का रहने वाला है व्यक्ति, शायद संभवतः जो नशे करने का आदि है, कुछ चोरी करने के आते ऐसे इनके घर में पीछे से घुसा था। रहमत को उसकी जानकारी हुई तो वहाँ से भागा, उन्होंने ऊपर जाके छत पर इसको पीछे से पकड़ लिया। इसके पास कुछ चाकू था तो इसने वो चाकू को मार दिया। उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया, उसमें उनकी डेथ हो गई है। इसको जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है।